सो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं मतलब एंट्रेंस द्वार पे। अभी इसके बाद में हमें काफ़ी चलना है और आप देख सकते हैं हमारी टीम एज यूजुअल, नितिन भैया, विपिन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय ऑफ आर टीम सचिन, जो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। और बाकी आप देख सकते हैं सबकी हालत, क्योंकि ये लोग चलते कम है बोलते ज़्यादा है, तो जितने ये लोग चलेंगे इतना ज़्यादा इनकी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जो हमको कोरोना से फाइट करने में मदद करेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आके। और सचिन कैसा लगा अभी तक तुम्हें यहाँ पे तक चलते चलते? अभी जैसे कि लास्ट भद्राज वाले टेम्पल के बाद काफ़ी बॉडी अच्छी हो चुकी है, तो अभी इतनी थकान नहीं लग रही है। राइट राइट राइट, आप देख सकते हैं यह है एंट्रेंस द्वार। जय भोले। नितिन भैया आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? बहुत अच्छा। मुझे लगता है विपिन के बाजे बज चुके हैं। विपिन कैसा फील हो रहा है? बहुत ही थकावट, हिम्मत नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, वैसे तो सचिन का भी वेट काफ़ी बढ़ गया इस क्वारंटाइन में, आप देख सकते हैं 2-3 किलो का तो फर्क लग रहा है। डेढ़ किलो ओह माय गॉड। कोई नहीं, बाकी भी बढ़ जाएगा। तो गाइस चलते चलते हम लोगों के साथ एक बहुत कमाल की बात हुई है, जो यहाँ पे मेन जहाँ पे हम लोग विजिट करने जा रहे हैं उस पूजा उस मंदिर के मेन पुजारी हैं। सर सर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं? मेरा नाम प्रदीप, मैं मंदिर का पुजारी। सर ये देहरादून से कितना दूर है ये मंदिर जो आप? ये लगभग लगभग 10-11 किलोमीटर। और ये किस चीज़ के लिए मान्यता है इस मंदिर की इतनी ज़्यादा? ये देवी का मंदिर है। ओके। और ये जो मूर्ति यहाँ है रखी हुई, ये यहीं से निकली थी। अच्छा, मतलब जमीन से। अच्छा, इसीलिए इसकी ज़्यादा मान्यता है। ये बाहर गया था, लाइव मूर्ति नहीं है, जमीन से। तो भाई जैसा कि आप सुन सकते हैं पंडित जी के मुँह से खुद से, कि जो यहाँ पे जो भगवान की उत्पीर्ण हुई है वो खुद से हुई है, यहाँ पे भगवान खुद से प्रकट हुए हैं, तो उसी के आधार पे ये मंदिर जो है वो रखा गया है। और आपको एक और बात हम लोग बताना चाहते हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो गांव का जो प्रशासन है, हम लोग तो फ्री परमिशन लेके आ चुके हैं, बट आप लोगों को अभी अलाउड नहीं है। जब ये लॉकडाउन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तो आप इसके बाद यहाँ पे विजिट कभी भी कर सकते हैं। पहली बार नितिन भी 1 किलोमीटर चल चुके हैं, तो नितिन भाई से पूछते हैं, नितिन भाई कैसा लग रहा है आपको अभी तक यहाँ पे? यार शक्ल तो आपकी कुछ और बता रही है। अच्छा बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, और होपफुली लॉकडाउन में जो चर्बी चढ़ी है वो अब उतर जाएगी। और सचिन तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है, काफी दिनों बाद। पिछली बार की तरह मुझे गालियां तो नहीं पड़ने वाली इस वीडियो के बाद? पिछली बार की तरह कुछ नहीं होगा ऐसा, कि ज्यादा चला दिया? नहीं नहीं नहीं, इस बार चलना भी कम है और मजा भी आ रहा है। ये जो हमारे नए दोस्ती हैं, तुम्हारे नए साथी हमारे साथ आए हैं, उनको कैसा फील हो रहा है? बढ़िया महसूस, बढ़िया फील हो रहा है, मजा आ रहा है। आवाज ही नहीं निकल रही, क्या कह रहे हैं अंदर से? आवाज ही नहीं निकल रही है। तो फाइनली गाइस ये दोनों पहुंच चुके हैं, कैसा लगा नितिन भैया हमको 1 घंटा वेट करा के? बहुत मजा आया। कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत खराब। मैं ऐसे तुम्हारे साथ माउंट एवरेस्ट कब तक कैसे जाऊंगा बताओ? प्लानिंग हम लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कर रहे हो, तुम यहाँ पे 2 किलोमीटर नहीं चढ़ पा रहे हो। नितिन भैया आप बताएंगे अपना एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो? मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, तो कैमरा मुंह पे लेके आ जा रहा है बार-बार। वही तो, अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं धीरे धीरे आपके साथ ट्रैवल करेंगे ना, तो हो जाएगी। और यहाँ मतलब अगर पंडित जी छी का पंडित जी कन जगह छी मतलब कदा दूर से देहरादून बटे कन? देहरादून बटे कम से कम 30 किलोमीटर दूर, कम से कम 30 किलोमीटर दूर ना, मेन घंटा घर बटे। अच्छा, और ये देवी जो है ना, हाँ ये खांडेश्वरी बोलते हैं इसको। अच्छा, खांडेश्वरी देवी जी। हाँ हाँ, और यहाँ नवरात्रों में 2 नवरात्रों में शीत के और चैत के नवरात्रों में लोग बागों में पूजा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब काफी प्रसिद्ध मंदिर चुनो हमारे, काफी सुन चाहिए एक बार की अब जरा लॉकडाउन चलना चाहते हो एक बार थोड़ा अलायक थोड़ा कवर कर ले ये एरिया था। अरे देखिए कितना खुश, पहली बार ये चल के खुश होगा, वरना खुश नहीं होता कभी मेरे साथ इतना ज्यादा चल। पहली बार इतने बड़े ट्रैक कंप्लीट किया है मैंने। ये है।